देखिए आज मैं आपके लिए जो है सीमलेस सॉक्स यानी कि बिना जोड़ वाले सॉक्स लेके आई हूँ इन्हें हमने जो है चार सिलाई से बनाया हुआ है ये जो है सात से लेके आठ नंबर के पाव के, के साइज़ के लिए तैयार किए हुए हैं हमें अगर आप इसे सेंटीमीटर से देखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ सेंटीमीटर से ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपने यहाँ पर इसे रखना है अपने इंच टेप को यहाँ पे एडी पे और यहाँ तक ये यह हमारा जो है 22 सेंटीमीटर आता है अगर आप इसे सेंटीमीटर के साइज़ से देखेंगे ऐसे ये जो है सात से लेके आठ नंबर के पैर के साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है हमने इसे चार नंबर की सिलाई से तैयार किया है तो चलो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए ये सॉक्स बनाने के लिए हमने सिलाई में तो है पहले फोर्टी एट स्टिचेस डाले हुए हैं ये सॉक्स जो है हम सेवन टू एट नंबर के लिए बना रहे हैं जिसका पैर का साइज़ सेवन से लेकर एट नंबर तक होगा उसे आराम से ये जो है सॉक्स आ जाएगा पहले हमने नॉर्मल जैसे हम अपने फंदे डालते हैं फोर्टी एट फंदे डाल दिए सिलाई में अब हम इन्हें तीन सिलाइयों में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम इन्हें चार सिलाइयों की हेल्प से बना रहे हैं तो हम डिवाइड कैसे करेंगे देखिएगा आप पहले हमने ट्वेंटी फोर स्टिचेस एक सिलाई में डाल देने हैं डालने कैसे हैं बॉर्डर स्टार्ट कर देना है हमने एक फंदा सीधा बना दिया एक उल्टा धागा पीछे करके एक सीधा धागा आगे लाके एक उल्टा इसी तरीके से हम जो है इस सिलाई में पहले ट्वेंटी फोर स्टिचेस डाल देंगे एक फंदा सीधा बना के और एक फंदा उल्टा देखिए हमने अपने ट्वेंटी फ़ोर स्टिचे जो है इस सिलाई में चढ़ा दिए हैं सिलाई हमारी जो है चार चार इसमें यूज़ होंगी जिनके जो है एजेस कुछ इस तरीके से होते हैं दोनों साइड में अब हमने क्या किया यहाँ पे हमारा जो है लास्ट वाला फंदा जो है उल्टा गया है अब हम इसे इस तरीके से रख देंगे धागा पीछे घुमाएंगे। नेक्स्ट सिलाई लेंगे इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सीधा फंदा क्योंकि हम बॉर्डर डाल रहे हैं इसमें तो अब हमारे पास 24 स्टिचेस तो ये होंगे यहाँ पर ट्वेंटी बचे हैं अब हमने क्या करना है इनको ट्वेल्व एक सिलाई पे चढ़ा देने हैं स्टिचे और ट्वेल्व दूसरी पे अब मैं ये सारे स्टिचे चढ़ा देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ देखिए हमने अपने फंदे सारे चढ़ा दिए हैं इस पे हमने ट्वेंटी फ़ोर चढ़ाए इस पे हमने ट्वेल्व और इस पे ट्वेल्व आप स्टिचेस का ध्यान रखिएगा जो आपका एंड वाला है यहाँ पे उल्टा है और यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका सीधा है आप इसमें बॉर्डर डाल रहे हैं अब मैं आपको एक स्लाइस की करके बताती हूँ उसके बाद हमने टोटल जो है बॉर्डर की दस सिलाइयाँ कर देनी है पहले मैं आपको बताती हूँ आप कैसे इसे जो है स्टार्ट करेंगे ये देखिए आपको राइट साइड आपको इस तरीके से यहाँ पे बाहर रखना है इसकी आपकी सारी सिलाइयाँ जो हैं अभी के लिए सीधी सीधी जाएंगी देखिए अब आपने स्टार्ट करना है यहाँ से ये धागा आपका जो है निशान रहेगा कि आपकी स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से होगी अब आपने क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से इसे एक फंदे को सीधा बना देना है फिर धागा पीछे लाके एक फंदा उल्टा धागा पीछे ले जाएंगे एक सीधा धागा आगे ले आएंगे एक उल्टा इसी तरीके से जो है मैं इस लाई ट्वेंटी फ़ोर स्टिचेस का पहले बॉर्डर बना देती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए हमने ये ट्वेंटी फ़ोर जो है बॉर्डर के बना दिए हैं अब आपको कैसे करना है ऐसे ये वाली सिलाई इसके ऊपर से ऐसे लेनी है और ऐसे इससे क्या होगा आपको ईजीनेस आएगी बनाने में एंड वाला हमारा स्टिच जो था उल्टा था यहाँ पे धागा आप ऐसे पीछे कर देंगे अपनी जो है सिलाई ले लेंगे फोर्थ वाली इस तरीके से और यहाँ पे जो है आपने सीधा बना देना है ये देखिए आपको ईजीनेस हो जाएगी ऐसे जब आप इसकी सिलाई ऐसे करेंगे फिर एक उल्टा धागा पीछे करके सीधा आगे लाएंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा धागा आगे लाके उल्टा इसी तरीके से ये जो है ट्वेल्व स्टिचेस हमने एक फंदा सीधा करके और एक फंदा उल्टा करके अपना कंप्लीट कर देने हैं सीधा उल्टा सीधा उल्टा ये लास्ट वाला हमारा उल्टा आया अब आप क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से इस वाली सिलाई को ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे अपना धागा पीछे घुमाएंगे ये वाला फंदा आपने अब सीधा बनाना है इस वाली सिलाई का इस तरीके से सीधा धागा पीछे ले के आएंगे उल्टा धागा आगे ले जाएंगे सीधा उल्टा सीधा उल्टा इसी तरीके से ये रो जो है हम कंप्लीट कर देंगे देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा जिसमें हमारे 12, 12 प्लस 24 स्टिचेस आएंगे ये हमारे जो 24 स्टिचेस है हैं ये ही रो यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है और यहाँ पे फिनिश हो जाएगी हमारी रो ये जो है हम बिना सिलाई वाले सॉक्स बना रहे हैं जैसे रेडीमेड सॉक्स बाजार में मिलते हैं वैसे ही ये जो है सॉक्स बन तैयार होंगे इन्हें हम कहीं से भी जो है सियगे नहीं अब हमने दोबारा यहाँ से अपनी जो है रो स्टार्ट कर देनी है पहले सीधा फिर उल्टा सीधा उल्टा करके हम अपने बॉर्डर की जो है टेन सिलाइयाँ पूरी कर देंगे दो हमने दे दी हैं अभी आठ हम और देखिए इसे कंप्लीट कर देंगे देखिए हमने इसकी बॉर्डर की टेन सिलाइयाँ जो है दे दी हैं अब हमने इसका बॉर्डर नहीं बनाना बस इतना ही हमने इसका बॉर्डर बनाना था अब हम जो है इसकी रो जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमारे ट्वेंटी फोर स्टिचेज थे इसमें अब हमने क्या करना है यहाँ पे अब हमने सारा सीधा सीधा बुनना स्टार्ट कर देना है ये वाले ट्वेंटी फोर स्टिचेज़ भी बाकी के जो ट्वेल्थ ट्वेल्व जो हमारी नेक्स्ट दो सिलाइयों पे हैं उन्हें भी अब हम सीधा सीधा बना देंगे हमने इसकी सारी सिलाइयाँ जो है सीधी सीधी करनी है क्योंकि हम राउंड में जा रहे हैं तो हम सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी करेंगे इसमें उल्टी सिलाई कोई भी नहीं आएगी इसमें सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी होंगी अब हम ये सीधी सीधी सिलाइयाँ जो है इसी तरीके से करते जाएंगे यहाँ से देखिएगा आप यहाँ से लेके जहाँ तक हमने अब ये सीधी सीधी सिलाइयाँ करनी है टोटल हमारी लेंथ जो है फाइव एंड हाफ़ इंचेस आनी चाहिए वो हमने इसके यहाँ से बॉटम से चेक करनी है अब मैं आपको ये वाली रो जो है पूरी करके दिखाती हूँ सीधी सीधी आप कैसे करेंगे इसे आपने इसे सिंपल जो है सीधा सीधा बना देना है देखिए हमारे ट्वेंटी फोर स्टिचेज़ यहाँ हो गए अब हमने क्या करना है ये अपनी सिलाई इस तरीके से जो है देखिएगा आप इस तरीके से आपको जो है बहुत ही ईजीनेस हो जाएगी ये ऐसे जो भी आपने सिलाई जो वाली आपने बनानी होगी उसे आप इस तरीके से जो है ऊपर ले आएंगे और इन्हें भी अब आप आपने सीधा सीधा बना देना है कोई भी अब आपने बॉर्डर नहीं बनाना अब आप आपने सीधा सीधा बनाते जाना है ये जो है इसकी साइड से ऑटोमेटिकली जो है इसके साथ जुड़ जाएंगी और आपको कोई भी सिलाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हम इसी तरीके से जो है इसकी टोटल यहाँ से ले नीचे तक जहाँ तक अभी हमने बनाना है एडी तक अपनी इसकी फाइव एंड हाफ़ इंचज़ तक इसे इसी तरीके से जो है सीधा सीधा बनाते जाएंगे ये वाले भी मैं आपको ट्वेल्थ स्टिचेस बना के बता देती हूँ पूरा जो है इन सॉक्स का जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं वैसा ही लुक आता है आपको कहीं से भी इन्हें सीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है देखिए ये हमने पूरी सिलाई अपनी राउंड में दे दी है अब हम इसे यहाँ से लेके नीचे तक फाइव एंड हाफ इंचेस तैयार कर देते हैं सीधा सीधा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए हमने अपना सॉक्स जो है फ़ाइव एंड हाफ़ इंचेस बना के तैयार कर दिया है ऊपर वाला इसका पार्ट जब तक हमारी एडी ना आ जाए मैं आपको दिखा देती हूँ इसके इंचेस भी ये हमारा कितना इंच बना हुआ है ये देखिए ये हमारा यहाँ तक जो है फाइव एंड हाफ इंचेस बन के तैयार हो गया है ये वाला जो है हमारा जिसमें हमने ट्वेंटी फोर स्टिचेज़ रखे हैं ये हमारा नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है इसका और ये ट्वेल्व और ये ट्वेल्व हमारा अपवर्ड यानी कि ऊपर वाला पार्ट है अब इस वाले पार्ट को हमने बुनना है ये वाले जो हैं अभी हम इन दो सिलाइयों को ऐसे ही रहने देंगे और सिर्फ अब हम इस पार्ट की बुनाई करेंगे पहले क्या करेंगे हम पहले तो हमने ये जो ट्वेंटी फोर स्टिचेज़ हैं इसके सीधे सीधे बना देने हैं अभी मैं ये रो जो है इसकी सीधे सीधे बना देती हूँ ये देखिए ये हमने राइट साइड से इसे सीधा सीधा बना के तैयार कर लिया है टर्न हो जाएंगे यहीं से ये दो तो हमने बनानी नहीं है सिलाइयाँ यहाँ पे अब हम अपनी रॉन्ग साइड में है इसमें हमने क्या करना है देखिएगा ध्यान दीजिएगा हर रॉन्ग सिलाई में आप ऐसा ही इसके साथ करेंगे एज स्टिच उतार देंगे नेक्स्ट स्टिच जो है आप उल्टा बना देंगे फिर अगले वाला फंदा इस तरीके से उतार देंगे फिर अगला उल्टा बनाएंगे फिर अगला इस तरीके से उतारेंगे उससे अगला आप उल्टा बनाएंगे एक स्किप करेंगे और एक बना देंगे इसी तरीके से आप ये रॉन्ग वाली रो अपनी कंप्लीट कर देंगे जिसमें आप एक अपना स्किप कर देंगे और एक उल्टा बना देंगे जब राइट सिलाई में आएंगे तो आपने सारे के सारे जो स्किप किए हैं उन्हें भी आपने सीधा बना के कंप्लीट कर देना है इसी तरीके से अब हम जो है ट्वेंटी फोर सिलाइयाँ इसकी दे देंगे ये हम अपनी दूसरी सिलाई में हैं अभी हम ट्वेंटी टू और इसे इसी तरीके से जो है बना देंगे इसका क्या फ़ायदा होगा हमारा स्किप करने का हमारा ये जो ए डी का पार्ट है थोड़ा टाइट आएगा तो जैसे हमारा ये नॉर्मल यहाँ पे डीला है ये देखिए जब मैं ये बना दूंगी फिर आपको मैं दिखाऊंगी ये जो है थोड़ा सा टाइट रहेगा अब इसी तरीके से मैं और 22 टू सिलाइयाँ दे दूंगी टू मैंने दे दी हैं टोटल 24 फ़ोर सिलाइयाँ मैं देखिए कंप्लीट कर दूंगी देखिए हमने इसकी 24 फ़ोर सिलाइयाँ दे दी हैं आप देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से थोड़ा टाइट टाइट जैसा बन जाएगा एडी का पार्ट अब हमने क्या करना है अभी भी हम इन ट्वेल्व ट्वेल्व स्टिचे को कुछ भी टच नहीं करेंगे अब आप ध्यान से देखेगा हमें यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे हमें क्या करना है पहले तो हमने ये हमारे पास ट्वेंटी फोर हैं ठीक है इसमें हमने इन्हें थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है सिक्स यहाँ पे ट्वेल्व सेंटर में और सिक्स हमारे यहाँ पे जिसमें हम क्या करेंगे ये वाले सिक्स हमने सीधे बना देने हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स हमने जो है सीधे बना दिए अब हम अलेवन स्टिचेस सीधे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन अब हमने इसकी जो है यहाँ पे दो का एक कर देना है और दो का एक इसके फंदे हमने आप कम कर देने स्टार्ट कर देने हैं जब हम राइट साइड में आएंगे तो हम यहाँ पे अपना फंदा घटाएंगे उसके बाद जो है इस साइड का फंदा हम अपनी रॉन्ग साइड में घटाएंगे घटाएंगे कैसे आप जो हमने छः छः फंदे इसके अलग किए थे और बीच के ट्वेल्व हमने सेंटर में रखे थे बीच के हमने अलेवन बनाए यहाँ पर हमारे पास कितने रह गए टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन रह गए वन हमारा इधर का है और सिक्स हमारे इस साइड के हैं अब हमने क्या करना है सेवन्थ और सिक्स स्टिच को इस तरीके से लेके दो का एक कर देंगे ये हमारे जो है सेंटर के ट्वेल्व ही रह गए और यहाँ पे जो हमारे पास सिक्स थे उनमें से हमारा एक फंदा कम हो गया और अब हमारे पास फाइव स्टिचेस रह गए इन्हें हम सीधा बना देंगे देखिए हमने इन्हें सीधा बना दिया है टर्न हो जाएंगे अब इस साइड में रॉन्ग साइड में आएंगे अब हमने यहाँ पे क्या करना है यहाँ तक हमने सारे फंदे अपने जो है उल्टे उल्टे बना लेने हैं जब तक हमारे पास यहाँ पे सेवन स्टिचेस ना रह जाए अब मैं उल्टे उल्टे फंदे बनाती हूँ जब हमारे पास सेवन स्टिचेस रह जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए हमने यहाँ तक अपनी सारी सिलाई उल्टी उल्टी कर दी अब हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन स्टिचेज़ बचे हैं यहाँ पर हम दो का एक कर देंगे सेंटर वाले हमारे ट्वेल्व के ट्वेल्व रहे जो हमारे यहाँ पर सिक्स रखे थे उनमें से अब हमारे पास जो है सिक्स से एक घट गया तो फाइव रह गए ये फाइव स्टिचेस हमने उल्टे बना देने हैं टू थ्री फोर फाइव अब इसी तरीके से आपने जो है अपने स्टिचेस को जो है कम करते जाना है जो ट्वेल्व वाले हैं वो तो आपके एज इट इज़ सेंटर में रहेंगे जो आपके इस साइड के सिक्स थे और इस साइड के सिक्स थे वो आपके जो है क्लोज़ हो जाएंगे क्लोज़ कैसे आपने करने हैं जैसे देखिए पहली सिलाई में हमने यहाँ पे जो है सेवन स्टिचेस रखे थे अब हमने इस सिलाई में सिक्स रखने हैं नेक्स्ट में हमने फाइव रखने हैं उससे नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पे जो है फ़ोर स्टिचेस बचेंगे फिर हमारे पास थ्री बचेंगे फिर टू बचेंगे हमने इनका जो है दो का एक एक करते जाना है जब तक हमारे छः स्टिचेस ये वाले क्लोज ना हो जाए और छः ये वाले भी क्लोज़ हो ना जाए राइट स्लाइड पे हम यहाँ पे दो का एक करते जाएंगे, जब हमारा जो है ट्वेल्थ स्टिच आएगा जो हमारे सेंटर के ट्वेल्थ है उनका ट्वेल्थ स्टिच आएगा उसके साथ साथ हम एक यहाँ से फंदा लेके दो का एक करते जाएंगे फिर नेक्स्ट सिलाई में एक यहाँ से फंदा लेंगे ट्वेल्थ के साथ दो का एक फिर एक और लेंगे दो का एक इसी तरीके से जब तक हमारे छः के छ ये वाले ख़त्म ना हो जाए तब तक हम इन्हें दो का एक करेंगे सेम इसी प्रोसेस से जब हम रॉन्ग सिलाई में आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा ट्वेल्थ वाला स्टिच होगा उसके साथ भी हम एक फंदा इधर से उठाते जाएंगे दो का एक करेंगे फिर एक उठाएंगे दो का एक करेंगे जब तक हमारे ये वाले सिक्स स्टिचेस भी क्लोज ना हो जाए टोटल तो हमारे पास यहाँ पे ट्वेल्व स्टिचेस जो है रह जाने चाहिए अब सेम इसी प्रोसेस से जो है हम इसके स्टिच जो है बंद करते जाएंगे पहले तो हम ये वाले जो है मेरे पास अब फाइव बचे हैं पहले सिक्स थे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बचे हुए हैं पहले सिक्स थे एक हमारा यहाँ से कम हो गया अब मैं जो है सेंटर के इसके जो है ट्वेल्व में से अलेवन ही बनाऊँगी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन मैंने बना दिए आप देखिएगा यहाँ पे अब मेरे पास कितने बचे टू टू फोर फाइव सिक्स पहले मेरे पास सेवन थे यहाँ पे अब सिक्स बचे ये अलेवन है एक इसका स्टिच है यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे तो फाइव ही रहे हैं क्योंकि पहली सिलाई में इसके सिक्स थे एक इसका था अब हमने इनका दो का एक कर देना है ये वाला जो है ट्वेल्थ वाला स्टिच इसको वापस मिल जाएगा अब हमारे पास यहाँ पर फोर स्टिचेस बचे अब हम इन्हें जो है सीधा बना देंगे इसी तरीके से जो है हम अपनी ये रो जो है कंप्लीट हो गई हमारी अब सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ पे जो है यहाँ तक बनाते जाएंगे जब तक हमारे सेंटर के अलेवन स्टिचेस ना हो जाए और फोर ये वाले यहाँ पे हमारे फाइव हैं तो हम यहाँ से एक स्टिच लेके ये हमारे सिक्स हो जाएंगे दो का एक कर देंगे इसी तरीके से अब हम जो है इसके फंदे घटा देंगे इस साइड के छः और इस साइड के छः हम घटा देंगे सेंटर के ट्वेल्थ हमारे रहने चाहिए घटाने का प्रोसेस एक जैसा रहेगा हमने जो है इसका जो है ट्वेल्थ वाला स्टिच है उसके साथ ये वाला एक स्टिच लेके दो का एक करना है इस साइड से भी इसके ट्वेल्थ के साथ ये वाला एक लेके दो का एक कर दे रहा है जब तक हमारे पास ये सेंटर के ट्वेल्थ स्टिचेस ना रह जाएं अब मैं इसे इसी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी देखिए लास्ट में ये हमारे पास रह गया है इसका हम दो का एक कर देंगे अब हमारे जो है सारे फंदे जो है घट गए हैं इस साइड से भी छः और इस साइड से भी छः देखिए सेंटर में हमारे टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्थ स्टिचेस रह गए हैं अब हम क्या करेंगे सीधी सिलाई हमने एक बारी पहले सीधी कर देंगे जब तक हम इसके एंड में ना पहुंच जाएं। इसे हम सीधा सीधा जो है बना देंगे ट्वेल्व स्टिचेस को देखिए हमने अपने जो है ट्वेल्थ स्टिचेस बना दिए हैं यहाँ पे अब हमने क्या करने हैं यहाँ से जो हमने ये इसकी जो है एडी की कटाई की हुई थी एड़ी बनाई हुई है यहाँ पे इसमें हमने अब ट्वेल्व स्टिचेस उठाने हैं ट्वेल्व किस लिए उठाने हैं इस साइड में हमने ट्वेल्व उठाने हैं और इस साइड में भी हमने ट्वेल्व उठाने हैं ट्वेल्व किस लिए उठाने हैं छः तो हमारे वापस आ जाएंगे वो और छः छः जो होंगे वो हम इसके साथ जो है हर राइट सिलाई में एक स्टिच हम इसके साथ दो का एक कर देंगे इसके साथ भी इस साइड से दो का एक कर देंगे ताकि हमारे सेंटर में कोई गैप ना आए और फिनिशिंग इसकी अच्छी आए और हमारी एडी जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो मैं आपको अब दिखाती हूं अब इस तरीके से जो है हमने इस साइड से पहले हम उठा लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टन अलेवन और ये यहाँ पे आप एक और स्टिच उठा लेंगे देखिएगा यहाँ पे ये यह हो गया हमारा ट्वेल्थ इस ट्वेल्थ वाले को आपने क्या करना है यहीं पे देख लीजिएगा अब यहाँ पे आपने इसे इस पे लेके दो का ये जो हमारे ट्वेल्थ स्टिचेस हैं नेक्स्ट वाली सिलाई के इस पे दो का एक कर लीजिएगा इस तरीके से इस स्टिच को वापस इस पे दे दीजिए इस तरीके से अब हमने सारे फंदे जो है बनाना अपने स्टार्ट कर देने हैं जो हमारे 12 ट्वेल्व 12 पे भी थे वो भी अब हम स्टार्ट कर देंगे बनाना अब हम इसकी जो है ट्वेल्व स्टिचेस पहले सीधे बना देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व अब यही ये, ये वाले ट्वेल्व भी हम पहले सीधे बना देते हैं इस सिलाई की ट्वेल्व भी मैं सीधे बना के कम्प्लीट कर देती हूँ अलेवन टवेल्व इसके भी मैंने ट्वेल्व स्टिचेस बना दिए हैं अब देखिएगा यहाँ पे। पहले तो मैं एक स्टिच यहाँ से ले लूँगी इसी पे इस तरीके से और इसको इसके ऊपर से निकाल दूंगी ताकि मेरी ये जो है यहाँ पे कोई गैप ना रहे इसकी जो है फिनिशिंग अच्छी आए एक स्टिच मैंने निकाल दिया अब क्या करना है अब इस सिलाई पे मैं जो है अपने अलेवन ट्वेल्व उठाने थे एक तो मैंने इस पे लेके इसका दो का एक कर दिया इस साइड से अब मैं जो यहा है यहाँ पे अलेवन स्टिचेस और उठा लूँगी इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और यहाँ पे यह हमारा अलेवन एक तो हमने वहाँ पे दो का एक कर दिया था तो वो हमारा ट्वेल्थ वाला स्टिच हो गया अब ये क्या करने हैं हमारे जो यहाँ के टवेल्थ स्टिच है ये भी हमने इसके साथ बनाने हैं और यहाँ के जो है अलेवन हमारे वो भी हमने इसकी के साथ बनाने हैं जो हमारा नीचे वाला पार्ट था जिसमें हमने अपनी जो है एडी का पार्ट बनाया है उसी के साथ हमने ये सारे स्टिचेस जो है बनाने हैं पहले मैं ये जो है सीधे सीधे बना देती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए इस तरीके से आप इन्हें सीधा सीधा बनाते जाइए इस तरीके से एक एक तो हमारा जो है दो का एक हो गया उन ट्वेल्व के साथ इस साइड से भी और इस साइड से भी अब हमारे जो है फाइव 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 इस साइड से स्टिच और फाइव इस साइड से स्टिच बचे हुए हैं जिन्हें हमने दो का एक कर देना है इसमें तो हम सीधा सीधा ही बनाते हैं कोई भी अब हमारी जो है रॉन्ग सिलाई नहीं आएगी हम जो है अब चार सिलाई से बुनाई कर रहे हैं तो हर एक सिलाई में हम जो है अपना दो का एक करते जाएंगे अगर हमारा उल्टा होता तो फिर हम उल्टी सिलाई में नहीं करते अब हमारी यहाँ पे सीधी सीधी चल रही है तो हमने इसमें यहाँ पे जब तक हमारे छः फंदे यहाँ पे बंद ना हो जाए इसका मतलब है हमारी छः सिलाइयाँ लगेंगी तो ही हमारे जो हमने छः फंदे एक्स्ट्रा उठाए थे वो हमारे क्लोज़ हो जाएंगे ये देखिए मैंने सारे स्टिचेस बना दिए हैं अब ये वाला एक बच्चा हुआ है इसे मैंने क्या करना है इस तरीके से आप देखिएगा इस तरीके से मैं इसे उठाऊंगी ये देखिए इसमें डाल दूंगी और ये जो मेरे ट्वेल्थ स्टिचेस हैं इनके साथ मैं इसको देखिए दो का एक कर दूंगी ये मैंने कर दिया अब मैं अपने अलेवन स्टिचेस जो हैं सीधे बना दूंगी और ये वाले भी अलेवन यहाँ तक बना दूंगी एक स्टिच रहने दूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए इसके भी मैंने अलेवन स्टिचेस बना दिए अब यहाँ पे इसका ट्वेल्थ वाला स्टिच है इसका क्या करना है आप देखिएगा इस लाई पे इसको मैं पहले ले लूँगी फिर उसके बाद यहाँ पे इससे भी मैं एक स्टिच इस तरीके से ले लूँगी इस तरीके से देखिएगा फिर यहाँ पे मैं इनका दो का एक कर दूंगी ये देखिए ये देखिए ये दो का एक कर दिया हमने अब ये वाले स्टिच जो हैं इसके हम सारे बना देंगे यहाँ तक जब तक कि हमारा एक स्टिच ना रह जाए उसे भी हम यहाँ पे दो का एक कर देंगे इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे एक एक स्टिच इसके साथ जोड़ते जाएंगे जब तक हमारे इस सिलाई के ट्वेंटी फोर स्टिचेस ना रह जाए यहाँ के 12 और यहाँ के 12 अब मैं इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ देखिए हमारी एडी जो है इस तरीके की जो है बन के तैयार हो गई है आप देख सकते हैं हमारी एडी का पार्ट जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है हमने यहाँ से ट्वेल्व स्टिचेस उठाए थे यहाँ से ट्वेल्व जिसमें से छः हमारे इस साइड से वापस आ गए और छः इस साइड से वापस आ गए और छः सिलाइयों में हमने एक स्टिच इस वाले सिलाई के ट्वेल्व स्टिच के साथ लेके दो का एक कर लिया और इस साइड से भी सेम जो है एक एक सिलाई में एक एक स्टिच लेते गए और इस वाली सिलाई के ट्वेल्व स्टिचेस का जो एंड वाला यहाँ पे है उससे हम दो का एक करते गए जिससे क्या हुआ हमारे छः स्टिच यहाँ से कम हो गए छः यहाँ से जो हमने ट्वेल्व ट्वेल्व उठाए थे हमारे जो है जो हमने अपने सॉक्स के लिए बनाए थे अब उतने ही स्टिचेस रह गए हैं बैक साइड के जो बॉटम वाला हमारा साइड है ट्वेंटी फोर यहाँ पे ट्वेल्व यहाँ पे और ट्वेल्व यहाँ पे टोटल फोटी फोर स्टिचेज़ रह गए हैं अभी आपको ये जो है एडी का पार्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने इसे थोड़ा बुना नहीं है अब हमने क्या करना है इसे हम जैसे सीधा सीधा बुनते आए हैं नॉर्मल जैसे हम चार सिलाइयों पर बुनते हैं वैसे ही बुनते जाएंगे जब तक हमारा एडी का ये देखिएगा आप यहाँ से लेके आगे तक सेवन इंचज तक हमने इसकी टोटल जो है अब लेंथ बना लेनी है सीधे सीधे यहाँ से आप इसे जो है करेंगे यहाँ से यहाँ तक सेवन इंचेस तक अब हमें इसे सीधा सीधा बनाएंगे उल्टी कोई भी सिलाई नहीं देनी है जैसे हम चार सिलाइयों पे बुनते हैं वैसे ही अब हम इसे सीधा सीधा सेवन इंचेस तक बना देंगे उसके बाद में आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको जो है कैसे एंड में जो है इसका आपने पार्ट बना देना है अभी मैं इसको सारा सेवन इंचिस तक सीधा सीधा बना देती हूँ सीधा ही बनाना है आपने कुछ भी इसमें नहीं करना आपने ना आपको स्टिच घटाना है ना कुछ बढ़ाना है अब मैं इसे सीधा सीधा बना देती हूँ सेवन इंचिस तक देखिए हमने सॉक्स की एडी के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक उसे सेवन इंचज तक बना दिया है ये देखिए आप मैं आपको दिखाती हूँ इंच टेप से भी ये देखिए हमारी इसकी लेंथ जो है सेवन इंच की कंप्लीट हो गई है अब हमने इसका जो है आगे का पार्ट बनाना है हमने दूसरा सॉक्स जो है तैयार किया हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए कुछ इस तरीके की जो है इसकी शेप हमारी आई हुई है आप इस शेप का कैसे इसे बनाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ देखिए ये राउंड शेप देने के लिए आपने क्या करना है ट्वेल्व आपके इसमें स्टिचेस हैं ट्वेल्व इसमें है और ट्वेंटी फोर आपके इसमें हैं अब आपने क्या करना है इसमें एक फंदा आपने पहले बना देना है मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से आप जो है अपना एक फंदा बना दीजिए ये देखिए इसके बाद यहाँ पे धागा ऐसे घुमा के यहाँ पे इसका दो का देखिए दो का एक कर दिया हमने अब हमने जो है सेंटर के स्टिचेस आगे तक बना देने हैं सारे सीधे सीधे जब तक हमारे पास थ्री स्टिचेस ना रह जाएं। देखिए हमने सेंटर के सारे स्टिचेस बना दिए हैं अब हमारे पास थ्री हैं इन्हें हम इधर से इस तरीके से दो को दो का एक कर देंगे और एंड वाला सीधा बना के इस रो को कंप्लीट कर देंगे अब हम अपनी दूसरी सिलाई में आएंगे जिसमें हमने 12 स्टिचेस रखे हैं जिसमें हमारे ट्वेंटी फ़ोर है उसमें तो हमने एक इस साइड से और एक इस साइड से दो फंदे घटा देने हैं बट जो हमारे ये 12-12 स्टिचेस हैं इसमें हमने क्या करना है इसमें हमने पहले तो एक फंदा सीधा बना देंगे इसके बाद यहाँ पे इन दो को इस तरीके से दो का एक कर देंगे उसके बाद आगे हम अपने सारे फंदे इसके सीधे बनाएंगे कोई भी इसमें अब हम दो का एक नहीं करेंगे देखिए हमने इसके सारे फंदे बना दिए हैं अब हम नेक्स्ट इस वाली सिलाई पे जाएंगे जिसपे हमारे और ट्वेल्व स्टिचेस हैं इसमें हमने क्या करना है इस साइड से हमने कोई भी फंदा जो है घटाना नहीं है अभी हम इसे सीधा सीधा बना देंगे जब तक हमारे जो है एंड के थ्री स्टिचेस ना आ जाए देखिए हमारे यहाँ पे आप थ्री स्टिचेस बचे हैं इनमें हम इस तरीके से पहले दो को दो का एक कर देंगे और एंड वाला इस तरीके से बनाएंगे इसी तरीके से आप जो है हम देखिएगा आप मैं आपको तो समझाती हूँ इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे ट्वेंटी फोर थे आप ट्वेंटी टू स्टिचेस रहे हैं हमने क्या करना है यहाँ पे एक बना के दो का एक कर देना है यहाँ पे दो का एक करके एक बना देना है अपनी हर सिलाई में और यहाँ पे हमने इस साइड से एक बना के दो का एक कर देना है फिर यहाँ पे इस वाली सिलाई पे दो का एक करके ये बना देना है जब तक हमारे यहाँ पे छः फंदे इसमें भी छः फंदे रहने चाहिए और इसमें भी छः और इस साइड से हमारे पास बारह फंदे रहने चाहिए अब मैं सेम इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर दूंगी जब तक मेरे पास यहाँ पे जो है बारह यहाँ पे छः और यहाँ पे छः फंदे ना रह जाएँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए जिस सिलाई पे हमारे पास ट्वेंटी फोर थे वहाँ पे हमारे पास ट्वेल्व रह गए हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ट्वेल्थ है तो सिक्स रह गए हैं इस पर अभी हमारे पास सेवन है ये अब आपने क्या करना है अब आपने इसी सिलाई पे इन वाले स्टिचेस को भी ले लेना है वन टू थ्री फोर ये हो गया आपका यहाँ पे एंड में आपने पहले इधर से इस तरीके से जो है दो का एक कर देना है और ये आपका एंड वाला जो है स्टिच अब हमारे पास इस सिलाई में भी ट्वेल्व स्टिच है और इसमें भी ट्वेल्व स्टिच हैं ये देखिए जैसा कि आपको पता है इसमें हम कोई भी जोड़ नहीं लगाएंगे अब हम क्या करेंगे धागा इसका इस तरीके से जो है काट देंगे और इसमें सुई डाल के देखिए हमने इसमें सुई डाल दी है अब मैं आपको बताती हूँ आप इसे सुई से जो है दोनों पार्ट्स को कैसे जो है जॉइंट कर लेंगे देखिएगा आप एक इस साइड से ये देखिए धागा आपका इधर पे है ना आप इधर से जो है ये फंदा सीधा उतार दीजिए सीधा उतारा ये वाला फंदा आपने उल्टा ले लेना है इसे उतारेंगे नहीं आप उल्टा ले लेंगे बैक सिलाई में ये वाला फंदा आप उल्टा उतार दीजिए उसके बाद इसके नेक्स्ट वाला आप सीधा ले लीजिए इसे आप उतारेंगे नहीं फ्रंट में दोबारा से आप ये वाला सीधा उतार देंगे ऐसे फिर ये वाले को आप इस तरीके से उल्टी सुई इसमें डाल देंगे बैक जाएंगे इसमें आप इस तरीके से इसे उल्टा उतार देंगे और इसका नेक्स्ट वाला उसमें आप सीधे सुई इस तरीके से डाल देंगे फिर फ्रंट में आएंगे सेम इसी तरीके से सीधे उतार देंगे इसे इस तरीके से ये वाला उल्टा बना देंगे इस तरीके से फिर बैक में जाएंगे आप इसे उल्टा उतार देंगे ऐसे और इसका नेक्स्ट वाला उसमें सीधे इस तरीके से सुई डालेंगे उसे आपने उतारना नहीं है इसी तरीके से ये देखिए आप हम इसे जो है दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे देखिए हमारी जो है बिना जोड़ वाली यानी कि सीमलेस सॉक्स जो है बनके बिल्कुल तैयार हो गई है ये बिल्कुल जो है एक रेडीमेड जो हमें बाज़ार में सॉक्स मिलती हैं वैसे ही है हमें इसे कहीं से भी जो है होता है स्टिच नहीं करना होता है बहुत ही प्यारी ये जो है बनके तैयार हो जाती है तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू